सर मुझे सदन में रो रो कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने वाला व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया राज खत्म हो रहा है, माफिया योगी के नाम से कांपने लगे हैं जो कभी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ कर के वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। आज उनके डर से अपराधी राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर। ताज़ा अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। अपनी सुरक्षा की मांग करने वाले योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर बाबा के नाम से पहचान बनाने लगे हैं। सवाल है कि उनके विरोधी क्या कर रहे हैं? जवाब एनकाउंटर को लेकर सवाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अब फेक एनकाउंटर प्रदेश बन रहा है। मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और अतीक अहमद जैसे कई प्रभावशाली माफिया जेल में बंद हैं। अपराधों में संलिप्त कई माफिया या तो पुलिस के गिरफ्त में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर फरार हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 साल में बड़ी संख्या में मुठभेड़ हुए हैं जिसमें 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। यूपी में अभी तक 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इतनी ही संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। अब जरा उनके नाम भी सुन लीजिए जिन पर योगी ने शिकंजा कसा है। पहला अतीक अहमद, 102 मुकदमे और आजीवन कारावास। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे, अपराधी प्रवृत्ति के थे। पिता के गुण बेटे में आए तो मात्र 18 साल की उम्र में 1983 में पहली FIR दर्ज हुई। अतीक की उम्र बढ़ी तो गुनाहों की फहरिस्त भी बढ़ती चली गई। अतीक अहमद के 4 बेटे, चारों अपराधी प्रवृत्ति के। एक हाई स्कूल से 12वीं के बाद ही गुंडा बना, बाप से बड़ा नाम कमाने के चक्कर में मारा गया। बेटे असद को UPSTF ने एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे, गाड़ी पलटने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। रियल एस्टेट से शुरुआत करने वाला विकास दुबे उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी था। 5 लाख रुपए का इनाम। पुलिस के हत्या के आरोप में 13 अगस्त 2021 को कानपुर से 17 किलोमीटर दूर भीती में सुबह एनकाउंटर हुआ, मारा गया। मुख्तार अंसारी, हत्या, वसूली, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जा करने समेत 52 आपराधिक मामले। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 मुकदमे अब भी चल रहे हैं। साल 1985 से गाजीपुर को मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 2002 में भाजपा के कृष्णानंद राय ने छीन ली। जीत हासिल करने के 3 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई। अंसारी के गैंग की 192 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया या ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। सूची लंबी है, नाम कई हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो रो रो कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, आज माफिया उसके नाम से कांपने लगे हैं। एक जेल से दूसरी जेल में ले जाते वक्त सभी माफिया को डर रहता है कहीं उनकी गाड़ी ना पलटे। योगी का सफर बताता है हर सवाल का जवाब वक्त दे देता है।